हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोल रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल नंबर 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C। ठीक है ना, देखिए हमने क्लास 9th में, ठीक है ना, जो चैप्टर 9th था और उसका एग्जाम्पल 3 था, ठीक है ना, उसमें ये चीज पढ़ा था कि कोई भी एक ट्राइंगल हो, ठीक है ना, कोई सब, जैसे आप पास एक ट्राइंगल दिया है ABC, ठीक है ना, इस ट्राइंगल का जो मीडियन है, ठीक है ना, AD, वो इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, और उन दोनों पार्ट का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब यहां पास हमको ये चीज आ रहा है कि जो एरिया है इस ट्रायंगल का, यानी ए बी डी का, ठीक है ना, वो इक्वल है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी से, ठीक है ना। मतलब ये चीज हमको प्रूफ कर रहा है, वेरीफाई मतलब क्या है, ये चीज हमको प्रूफ कर रहा है, ठीक है ना, कि क्लास 9 में तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, कि एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें एक मीडियन है एडी, ठीक है ना, और वो मीडियन जो है इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पास आप प्रूफ करें, ठीक है ना, कि कैसे एरिया इक्वल होगा, ठीक है ना, तो प्रूफ करते हैं। ये चीज हमको ला रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ठीक है ना। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। गिवन में दिया है कि जो वर्टिसेस है इस ट्रायंगल के, वर्टिसेस यानी क्या है, जो टोटल 3 पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है ना ए बी सी, तो ये पॉइंट है, ये है बी सी और ये है, ठीक है, इसी को वर्टिसेस बोल रहा है, ठीक है ना, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए 4 - 6, बी जो है हमारा 3 - 2 एंड सी 5 - 2, ठीक है ना, ये हमारा वर्टिसेस, ठीक है ना। अब हमको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है ए बी सी, यानी इस पूरे वाला ट्रायंगल का वर्टिसेस, ठीक है ना। अब हमको एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का ए बी डी का, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पास डी पॉइंट चाहिए चाहिए। मतलब यहाँ पास देखिए, जैसे यहाँ पास एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहा, तो वैसे यहाँ पास एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, ठीक है ना। देखिए बीसी क्या है, पूरा लेंथ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बीसी एक फिक्स लेंथ है इस ट्रायंगल का, या फिर फिक्स साइड है, ठीक है ना। फिक्स मतलब बी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो मतलब सीमित होगा, ठीक है ना, कहने का मतलब एक फिक्स है, ठीक है। अब बीसी पर ये जो एडी है क्या है, मीडियन है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पास मिड पॉइंट है, ठीक है ना, जो डी है वो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट 1:1 के फॉर्म में डिवाइड करता है, हमने ये एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा है, ठीक है ना, मीडियन है मतलब 1:1 के फॉर्म में डिवाइड करेगा, ठीक। अब देखिए तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो अगर मीडियन है तो एक्स वन और वाई वन, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स वन और सॉरी वाई वन, हमने गलती से बोल दिया, एक्स वन और एक्स टू को ऐड कर देते और टू से डिवाइड कर देते थे, तो हमारा एक्स का वैल्यू मिल जाता, ठीक है ना। कब ये होता था, जब हम कोई लेंथ को, ठीक है, या फिर कोई एक पॉइंट को, जैसे बीसी, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इसको 1:1 के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, तब हम x का वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है ना। ये चीज आपने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा दिया, ठीक है ना, मीडियन है मिड पॉइंट पे है, तो इसको 1:1 के फॉर्म में डिवाइड करेगा, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है ना, तो 3 + 5 कितना हुआ 8 / 2 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 + y2 / 2 से, तो y1 ये है, y2 ये है, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 0 / 2 = 0, डी का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, एंड डी का वैल्यू हमने निकाला, एंड
एट डी इक्वल डी फोर का बाय जीरो, ठीक है ना। ये चीज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पास अगर आपको पूरा फाइंड करके दिखाना है तो दिखा सकते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पास मतलब डायरेक्ट रफ फॉर्म में फाइंड करिए, ठीक है ना। चलिए मैं फाइंड कर ही देता हूं क्योंकि तो कुछ लोगों को ना समझ जाएगा। नाउ डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स के लिए क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, वाई के लिए वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। यहां से हो जाएगा एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू कितना है थ्री प्लस फाइव अपॉन में टू, वाई टू का एक्स टू का वैल्यू फाइव रहा, ठीक है ना। यहां पास हो जाएगा माइनस टू प्लस टू अपॉन में टू एक्स वाई। तो यहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर, इसको आ जाएगा जीरो, ठीक है। यानी इक्वल टू डी, ठीक है ना। हाँ ये चीज आपको ले रहा है, ठीक है ना। डी फोर का बाय जीरो, ठीक है ना। ये चीज आपको ले रहा है, ठीक है ना। ठीक है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। मतलब डी एक्स वाई कैसे मिल गया, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू इससे मिल गया और वाई का वैल्यू इसको जब सॉल्व किया है तो इससे मिल गया, ठीक है ना। बस हो गया, इतना तक सॉल्व करना है। अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड करें, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल, ठीक। तो फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है ना। जो फॉर्मूला है तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है, वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, एरिया इक्वल टू इक्वल टू इसी ट्रायंगल के एरिया निकाल रहा है, बार बार इसको लिख रहा है, ठीक है ना। बस एरिया लिखते हैं, बहुत है, वन अपॉन बाय टू। अब देखिए, अब सवाल ये होता है कि एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री किसको ले, वाई वन वाई टू वाई थ्री किसको ले, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे डेबिट किया वैसे वैसे पहले ए आया फिर बी आया फिर डी आया, ठीक है ना। तो ए वाले को एक्स वन लेना है वाई वन लेना है, ठीक है ना। बी वाले को एक्स टू वाई टू, डी वाले को एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। जैसे हमने ट्रायंगल का डेबिट किया है वैसे ही हमको एक्स वन वाई वन वाई टू वाई टू सॉरी एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री लेना है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वन की जगह क्या लिखेंगे, फोर वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू कितना है माइनस टू, वाई थ्री कितना है जीरो, पांच जीरो प्लस एक्स टू कितना है थ्री, यहाँ पास थ्री, वाई थ्री जीरो तो जीरो, वाई वन माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स इंटू माइनस करूंगा तो प्लस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट प्लस सिक्स लिख देता हूं, प्लस एक्स थ्री फोर फोर प्लस में ये ना, यहाँ पास स्पेस कम दिख रहा है, ओके यहाँ पास प्लस लिख देता हूँ, ये प्लस में है ना, इसके बाद ये प्लस में है, प्लस फोर वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स माइनस वाई टू माइनस टू, तो माइनस टू इंटू माइनस तो प्लस टू हो जाएगा। एरिया इक्वल टू वन अपॉन में टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू तो माइनस टू इंटू फोर तो माइनस एट आ जाएगा, ठीक। प्लस तीन छके अठारह मतलब थ्री सिक्स जा एटीन, जीरो से ऐड करेंगे तो सिक्स ही आएगा, ठीक है ना। मतलब इसको ऐड करेंगे तो सिक्स ही आएगा, सिक्स थ्री जा एटीन, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस फोर आएगा, ठीक है ना। तो माइनस फोर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन, अब आगे बढ़ते हैं
एरिया इक्वल टू व्हाट अपॉन टू ए टू, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6 आएगा। ठीक सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसका वैल्यू तो 24 हो गया ही दोनों का साइड माइनस में रहेगा और ये 18 है तो 6 के टेबल में 18 भी आता है 24 भी आता है तो डिफरेंस कितना हुआ 6 और साइड भी सही है कट गया। एरिया इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3 स्क्वायर टेन एट ठीक है ना, यहाँ पास इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट और यहाँ पास रिजल्ट डाल दे रहा है ठीक है ना, सिंस एरिया कैन नॉट बी निगेटिव यहाँ पास रिजल्ट डाल दीजिएगा सिंस एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया निगेटिव में नहीं होता इसलिए हमने ले लिया है 3 स्क्वायर यूनिट ठीक है ना, प्लस में ले लिया हमने ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है वैसे हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी सी। अब फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला यहाँ पास है डायम वैल्यू पुट कर दो ठीक है ना। अब देखिए अब सवाल ये होता है कि एक्स वन वाई वन किसको ले, वाई टू और एक्स टू किसको ले ठीक है ना, तो देखिए जैसे जैसे आप ट्रायंगल का नेमिंग किया वैसे लेके ठीक है ना, उसको भी उठा लेते हैं ये पुराना हो गया। देखिए ए यानी पहले इसको एक्स वन लेके और इसको वाई वन लेके, डी यानी इसको एक्स टू लेके इसको वाई टू लेके, सी इसको एक्स थ्री लेके इसको वाई थ्री लेके ठीक। अब वैल्यू को पुट करते हैं इसमें ठीक है ना, तो वन अपॉन टू एक्स वन का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पास 4, वाई टू का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पास 0 माइनस, वाई थ्री का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पास 2 प्लस, एक्स टू का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पास 4, उसके बाद वाई थ्री का वैल्यू कितना है 2 और वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस 6, यहां पास हो जाएगा टू माइनस 6 प्लस वाई थ्री का वैल्यू कितना था, वाई थ्री का वैल्यू 2 था और इसका अब यही पास हमने क्या कर दिया गलत कर दिया ठीक है ना, फॉर्मूले वाला माइनस तो सही है ठीक है ना, लेकिन वाई वन का वैल्यू माइनस 6 है तो यहाँ पास अब माइनस 6 लेंगे ठीक है ना, ऐसे ही सवाल गलत हो जाता है ठीक है ना, फॉर्मूले का तो माइनस ठीक है लेकिन इसका माइनस 6 भी तो लिखना पड़ेगा ठीक है ना, तो यहाँ पास फॉर्मूले वाला माइनस ये और वाई वन का वैल्यू माइनस 6 ये प्लस एक्स थ्री का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पास 5, उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है माइनस 6 माइनस फॉर्मूले का y2 0, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आएगा यानी माइनस 8 ठीक। अब देखिए प्लस 4 इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस 8 माइनस प्लस यानी 2 प्लस 6 8 और 8 4 जा 8 4 जा कितना होता है 32 होता है, डायरेक्ट 32 लिख देता हूं ठीक। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 ठीक। अब देखिए एरिया इक्वल टू ठीक तो व्हाट अपॉन 2, अब इसको सॉल्व करते हैं 32 माइनस 8 और माइनस 38 आ जाएगा माइनस 6 आएगा ठीक है ना, माइनस 6 ही आना चाहिए माइनस 6 आएगा ठीक, तो यहां पास जाएगा माइनस 6 ठीक कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 3 ठीक।
अब माइनस थ्री स्क्वायर रूट लेके रहे तो यहाँ पास क्या लेकर थ्री स्क्वायर यूनिट, यानी इसका एरिया कितना आएगा, जैसे अब इसका माइनस थ्री आया था तो इसको हमने थ्री भी किया था, इसका भी माइनस थ्री आया तो इसको भी प्लस थ्री भी कर लेंगे, ठीक है ना, माइनस थ्री स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब यहां पास देखते हैं, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल है दोनों का एरिया, ठीक है ना, थ्री स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर रूट एस टू, तो ठीक है ना, ये चीज आपको प्रूफ कर रहा था, इसकी शॉर्ट आ जाते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आवाज चला एके ऑप्टिक कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।